है एस्कॉट्स कल आएंगे नतीजे एस्कॉट्स के। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप आय देखें तो आय लगभग 8% के आसपास आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि उसका रीज़न देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या फिर रेलवे सेगमेंट दोनों से मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है, उसके चलते आपको आय में अच्छा खासा सहारा आता हुआ दिख सकता है। कामकाजी मुनाफा 64% बढ़कर आता हुआ दिखेगा, उसके साथ साथ मार्जिन्स जो है वो भी इंप्रूव होकर आएंगे, 8.1% से इंप्रूव होकर 12.3% पर आते हुए दिखेंगे, क्योंकि दो कारणों से, एक तो रियलाइजेशन जो है वहां पर 5% बढ़ने की उम्मीद है, उसी के साथ साथ जो लागत खर्च है वहां पर भी कमी होगी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको दिखेगा कि मार्जिन्स में सुधार आता हुआ दिखेगा, जैसा कि मैंने कहा 8.1% से इंप्रूव होकर 12.3% पर। अगर आप एडजस्टेड मुनाफे की बात करें, क्योंकि अगर आप पिछली बार एक्सेप्शनल खर्चा था, एडजस्टेड मुनाफा देखें तो वहां पर भी आपको 54% के आसपास की बढ़त आती हुई दिखेगी, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें कि ऑपरेशनली इन सब चीजों को अगर आप देखें तो ऑपरेशनली नतीजे जो हो सकता है अच्छा मजबूत जो है नतीजे आते हुए दिखे। बिल्कुल, और आंकड़ा भी अच्छा रहा है। आई थिंक अक्टूबर सेल्स उनकी इतनी खास नहीं थी, बट जो पिछली तिमाही की परफॉर्मेंस है वो शानदार रहनी चाहिए। जैन साहब, एस्कॉर्ट्स पर कोई व्यू? अक्टूबर के आंकड़े हालांकि इनके थोड़े ट्रैक्टर सेल्स के खराब आते हुए दिखे थे, बट अदरवाइज स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़िया रही है, 3000 के ऊपर भी है काउंटर सर। हाँ, मतलब उस हिसाब से देखिए प्राइस डिन भी है, काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव भी दिया हुआ स्टॉक है, और अक्टूबर का सर्टनली देखिए नंबर्स अच्छे नहीं है, खाली ट्रैक्टर सेगमेंट ही अच्छा नहीं किया, बाकी पैसेंजर व्हीकल्स तो गजब के किए हैं। सो मेरे हिसाब से देखिए जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, और रिजल्ट अब देखेंगे कैसे आते हैं, बाकी अनुमान तो मार्केट लगा रखा और उसके हिसाब से चला हुआ भी है स्टॉक, और रिजल्ट भी काफी अच्छा है, इनफैक्ट पिछले 2-3 क्वार्टर्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गए कंपनी के। सो लेट्स सी, बट यस इट्स अ गुड होल्ड, और Kubota इज अ गुड चेंज टू द कंपनी, और बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, और इस स्टॉक को काफी निचले लेवल से ट्रैक करते हुए रिकमेंड भी करते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि काफी चीजें प्राइस्ड इन है। ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स Kubota, यहाँ पर रखनी है आपको नजर। वागले साहब भी हैं, एक बार पहले वागले साहब से चार्ट चेक कर लेते हैं एस्कॉर्ट्स Kubota का। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, एक्चुअली कल ये स्टॉक में मुझे ब्रेकडाउन दिखाई दिया, आज भी जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, सपोर्ट लेवल के पास है हालांकि, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया 3030 ये लेवल है जो कल का लो के थोड़ा सा नीचे है, अगर वो ब्रेक होता है फिर एस्कॉर्ट्स 2900-2950 तक जा सकता है, तो मैं ये लेवल पे बहुत शॉर्ट टर्म में तो बुलिश नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा व्यू बुलिश नहीं है, वेट करना प्रेफर करेंगे वागले साहब, और देखते हैं एक बार नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद अगर कोई क्लियर ट्रेंड इस पर निकल कर आता है।